गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, वो आई नो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है एंड आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, स्पेशली अगर आप बहुत ही बिजी हो एंड आपको टाइम नहीं मिलता है स्किन केयर करने की, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ विंटर स्किन केयर यूजिंग ओनली 2 प्रोडक्ट्स। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बिजी है एंड उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो होम रेमेडीज बना के फिर अप्लाई करें। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करूं जिसमें सिर्फ आपको 2 स्टेप में ही आपकी स्किन केयर हो जाएगी। ये दोनों स्टेप्स आप मॉर्निंग में भी कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम नाइट में भी कर सकते हो, यानी ये एक 2-in-1 स्किन केयर रूटीन है। इसमें सिर्फ आपको मार्केट से 2 चीज़ें परचेज करनी है एंड ये जो 2 चीज़ें हैं ना, वो सुपर अफोर्डेबल है। चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप वर्किंग वूमेन हो, चाहे आप जो भी हो, आप इसे ईजिली अफोर्ड कर सकते हो। इस हिसाब से ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। लेकिन क्योंकि ये सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, तो आप ये सोचो कि आपको रिजल्ट इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ एंड इट्स रिजल्ट इज सुपर्ब यू गाइस। आई एम जस्ट लविंग इट एंड आई नो कि आप लोग भी इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले हो। मेरे कहने पे आप एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखना। यू विल जस्ट लव इट, नो मैटर कि आपकी स्किन टाइप क्या हो, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव और एक्ने प्रोन, व्हाटएवर, सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। एंड ये बेसिकली है एक 1 ब्रांड स्किन केयर रूटीन जो कि है निविया। यस, निविया इज़ अ वेल नोन ब्रांड। सो मुझे तो पर्सनली निविया बहुत ज़्यादा पसंद है एंड डोंट वरी, ये कोई भी निविया से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा ट्रूली मेरा ओपिनियन है। सो या बहुत ज़्यादा मैंने बकबक कर ली है। सो या नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आती है क्लिंजिंग एंड इसके लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ निविया कफ मिल्क डिलाइट्स फेस वॉश। ये हनी वाला वेरिएंट है क्योंकि अभी विंटर्स है, लेकिन इसमें आपको सेंसिटिव स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, हर स्किन टाइप के लिए फेस वॉश मिल जाएगी। बट क्योंकि अभी विंटर है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हनी वाला ही ट्राई करो क्योंकि विंटर के लिए यही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होती है। हाउएवर, अगर आप समर में यूज़ करना चाहते हो तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड इसे लेके जस्ट जैसे आप नॉर्मली फेस वॉश करते हो वैसे ही आपको करनी है। एंड इसमें ज़्यादा झाग यानी फोम पैदा नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड फेस वॉश है एंड बहुत ही अच्छा है। इसमें मिल्क की गुडनेस है एंड मिल्क यू नो कि कितना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होती है हमारी स्किन के लिए। एंड इससे मेकअप भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है, यू कैन सी इन द वीडियो। सो इसे आप 20-30 सेकंड के लिए मसाज कीजिए अपने फेस में एंड देन वॉश कर लीजिए विद नॉर्मल प्लेन वाटर एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। एंड इसे अप्लाई करने के बाद ना स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होती है, स्किन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने फेस वॉश किया है। एंड फेस वॉश करने के बाद स्किन जो भी रफनेस आती है ना, वो बिल्कुल भी फील नहीं होगी आपको, यू विल फील अमेजिंग। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में भी अप्लाई करनी है निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र है, एक ये सॉफ्ट वाला है, तो ये सॉफ्ट वाला मॉइस्चराइज़र बहुत ही अमेजिंग है। ये मॉइस्चराइज़र ना आप समर में भी यूज़ कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो एंड ये परफेक्ट है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली चाहे आपकी ऑयली स्किन क्यों ना हो, अगर आपकी ड्राई स्किन क्यों ना हो, ड्राई स्किन को भी ये काफ़ी हद तक सूट करती है। अगर आपकी बहुत ही एक्सेसिवली ऑयली स्किन है तो भी शायद विंटर्स में तो आपकी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई हो ही जाएगी, तो विंटर्स में आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो एंड विंटर्स में इसे हर कोई स्किन टाइप्स ट्राई कर सकता है। एंड इसे अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इसके नेम से ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसके नेम में भी है सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र एंड ये इट रियली डज दिस वर्क, ये रियली आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाती है। सो इसे अप्लाई करने के बाद लिप्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, लिप्स में आप अप्लाई कर सकते हो बोरोलिन, वैसे वैसलिन भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आई थिंक बोरोलिन इज़ बेस्ट क्योंकि इसे आप मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे भी आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई फील होती है ना, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं फिलहाल मेरे आईब्रोज में भी इसे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आईब्रोज के एरिया मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई लगती है। एंड इस रूटीन को भी आप मॉर्निंग में भी फॉलो कर सकते हो, बट मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है। एंड दैट्स इट, यही था बहुत सिंपल सा एक स्किन केयर रूटीन। सो गाइस, आई होप आपको ये 2 स्टेप स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो डू ट्राई दिस स्किन केयर रूटीन इन दिस विंटर, आई एम श्योर कि यू विल लव इट, यस यू विल। एनीवेज, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए। एंड या आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो एंड अगर क्वेरीज है कुछ वो भी कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।